चलो दोस्तों, आपका बजट है 15,000, आपको बड़ा सा एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और इस प्राइस के अंदर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस प्राइस के अंदर आपको टॉप ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, जो बड़ा गेमिंग के लिए कैमरा प्रोडक्ट सभी तरीके से आपको बेस्ट देखने को मिलेंगे और इसका बजट भी आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करते पहले स्मार्टफोन की आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M32 एक 4G स्मार्टफोन है जो सैमसंग की तरफ से आता है। बात करें स्मार्टफोन की तो यहाँ पर 6.4 इंच की आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है जो 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। बात करें स्मार्टफोन की और भी फैसिलिटी की तो यहाँ पर 18 इंच का आपको ब्राइटनेस मिलते हैं और आप भी सनलाइट में भी स्मार्टफोन का यूज़ करते हो तो क्लियर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की तो इस स्मार्टफोन में आपको बड़ा सा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है। 6000mAh की बड़ी बैटरी है, इस स्मार्टफोन को चार्ज करने आपको 15W का आउटपुट चार्जर देखने को मिलता है। बात करें स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी तो इस स्मार्टफोन में आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और आप अच्छी खासी इस स्मार्टफोन से आप पिक्चर क्लिक कर पाओगे और 20MP का सेल्फी कैमरा है जहाँ से आप अच्छी खासी सेल्फी क्लिक कर पाओगे। बात करें सर परफॉर्मेंस की तो मीडियाटेक के लिए G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है और ऐसी स्मार्टफोन का 4GB स्टोरेज का वेरियंट आपको 15,000 के अंदर फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा जैसे परचेस। चलो सर, आपका बजट 15,000 जहाँ पर आपको मोटोरो का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, फिर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना इस प्राइस के अंदर तो आप Moto G50 परचेस कर सकते हो। तो इस प्राइस के अंदर हम तो वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन होता है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 480+ का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत यूजफुल है। 6.8 इंच की 120Hz रिफ्रेश के साथ आपको बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है। बात करें कैमरा क्वालिटी की तो आपको यहाँ पर 50MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल स्मार्टफोन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें बैटरी कैपेसिटी का तो 5000mAh की बड़ी बैटरी है और 20W का आउटपुट चार्जर मिलता है और स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से 15,000 में परचेस कर पाओ और आपका बजट 15,000 वो बड़ा सा एक स्मार्टफोन चाहिए नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो माइक्रोमास M32 परचेस कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने मिलती है जो एमोलेड स्क्रीन के साथ आती है। यहाँ पर मेटल हीलो G95 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत यूजफुल है। 5000mAh की बड़ी बैटरी है, 30W का आउटपुट चार्जर है। बात करें कैमरा क्वालिटी की तो आपको 15MP का क्वाड रियर कैमरा देखने मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और इस स्मार्टफोन को आप 13,500 में आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर पाओगे। चलो सर, आपका बजट है 15,000, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बड़ा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन्फिनिक्स नोट 11S को परचेस कर सकते हो। ये 14,000 के अंदर आने स्मार्टफोन आपको इसका बेस वेरियंट मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो आपको 6.8 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो 120Hz के रिफ्रेश के साथ आती है। बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 32W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट है जो जल्दी से स्मार्टफोन का चार्ज कर पाओगे। बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर मेटल हीलियो G96 का बहुत ही पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। 15MP का आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन का परचेस करना चाहते हो स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट से परचेस कर पाओगे। तो जो भी मैंने जो भी स्मार्टफोन बताया इस लिस्ट के अंदर सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप उन स्मार्टफोन को परचेस कर पाओगे। अगर आप वीडियो चले वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो आपके यहाँ पर